Hey guys, welcome back to my channel. This is my trip to Haridwar and this is my brother Naman and this is my sister Sumi. This is my mana bhaiya. 50 किलोमीटर माना भाई ने चला लिए हैं और क्या कहते हैं, अब मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मैं ड्राइविंग सीट पे आने वाला हूँ। अब आपको तूफान देखने को मिलने वाला है और ये देखिए, और ये देखो सुमित बहन बैठी हुई है, सुमित चौहान जबरदस्ती की वाइब करते हुए अभी ऐसी गंदी शक्लें बना रही थी। ये हम ट्रिप पर निकल चुके हैं प्रदूषण जाँच केंद्र, भाई सुबह सुबह रनिंग कर रहा है, बहुत ज़रूरत है इसे भी। बस तो हम निकलने वाले हैं, बिरयानी खाएगा अभी, बिरयानी है हमारा ब्रेकफास्ट आ गया मॉर्निंग का, हम बिरयानी खाने वाले हैं, क्या बात है। हम फाइनली हरिद्वार पहुंचने वाले हैं, सिर्फ 14 किलोमीटर बचा है, सारी गाड़ी मैंने चलाई है तुम्हारे भाई ने, और क्या बढ़िया एवरेज निकाली है 15.8 का। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। भाई बंद कर दे भाई, कॉपीराइट आ जाएगा। व्हाट इज दिस बिहेवियर हद है यार, तमीज भी नहीं है क्या? हद हो गई भाई। तो आगे 2.2 शिवम चौहान इज हियर गाइस। ये सुबे चौहान दिस इज नमन चौहान, जिसे तमीज नहीं है, मेरे अगर कॉपीराइट आ गया ना। और ये देखो मैंने गाड़ी क्या बढ़िया चलाई है, 15.8 का एवरेज दे रही है। शिट होली फक, इसको बीट करना पड़ेगा। गाइस हम आ गए हैं हर की पौड़ी पे और क्या कहते हैं, हमने स्नान कर लिया है और मैंने ये ऊपर महाकाल भी बनवाया अपने सर पे। अभी मेरा जो कैमरा है वो गाड़ी में पड़ा हुआ है, इसलिए क्या कहते हैं अभी मैं माना भाई के फ़ोन से ब्लॉग कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि बहुत यहाँ पर कोई फेस्टिवल भी नहीं चल रहा है और इतनी भीड़ है यहाँ पर कि पूछो मत। सब लोग हम रेडी हो चुके हैं। ये सनी भाई चलो एक अपनी बजाय जा, मानव के नाता जा पीछे। हां 500 रुपए लगेंगे फोटो। सारे अपनी फैमिली के लोग हैं। चलो और ये देखिए भाई जा। अब हम जा रहे हैं यहाँ से पूड़ी खाने, मैंने सुना है यहाँ की कोई फेमस पूड़ी वाला है और फिर उसके बाद हम उस फेमस पूड़ी वाले के बाद हम जाएंगे आगे और पापा लोग वगैरह सब घर वापस चले जाएंगे और फिर उसके बाद मैं आगे आपको अपडेट करता रहूँगा। गाइज मैं आया था मोहन जी पूड़ी वाला, बट यहाँ की पूड़ी की जितनी हाइप बना रखी है, 100 रुपये में 4 पूड़ी दे रहे हैं, इतनी वर्स्ट टेस्ट है, ना नमक डाल रखा है ना कुछ डाल रखा है। कभी मत आना यहाँ पे खाने, आपके 100 रुपये बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ खाना, ये देखो लोगों ने इतनी भीड़ लगाई हुई है, 100-100 रुपये दे के 4 पूड़ियाँ खा रहे हैं, बट बिल्कुल घटिया टेस्ट है पूड़ी का, ना नमक है, बिल्कुल ही घटिया, ना नमक है ना कुछ है, पता नहीं क्यों बोलते फेमस बेमतलब में फेमस कर रखी है। चलो गाइस आगे भी अपडेट करता रहूँगा मैं कि आगे आपको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। गाइस हम वापस जा रहे हैं अपने आगे के सफ़र के लिए और हम तो हरिद्वार बस पापा के कहने से आए थे, अब हम इसके बाद आगे जाएंगे, देखते हैं कहाँ जाते हैं, देहरादून की तरफ कहीं पहाड़ों में हमारा ये ट्रिप हो जाएगा, मिनी ट्रिप, तो आगे चलते हैं गाड़ी की तरफ। गाइस अब हम जा रहे हैं कसौली और हम यहाँ से हरिद्वार से निकल चुके हैं, 5 घंटे दिखा रहा है हमें, तो हम 3 घंटे में लगा देंगे गाड़ी नॉन स्टॉप, बट अगर नॉन स्टॉप नहीं गए तो फिर 8 घंटे में लगा सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं है। ये करा लेंगे अभी आगे, ऐसे ऐसे हवा चेक कराते कराते हरिद्वार पहुँच गया। फाइनली हम रुके हैं चाय के स्टॉप के लिए और अब हम वैसे भी हिमाचल में एंटर कर चुके हैं और हम आगे कसौली तक जाएंगे। आई डोंट नो व्हाई मैन, 47 किलोमीटर बचा हुआ है और 1 घंटा दिखा रहा है, आई थिंक आगे ट्रैफिक होगा या पहाड़ वहाड़ में टाइम लगता होगा, आई नो पिछली बार भी गए थे 3-4 घंटे, फिर भी भाई 1 घंटा दिखा रहा था, कुछ तो ट्रैफिक होता तो शायद रेड दिखा रहा होता, ग्रीन दिखा रहा है। आप मेरे को बीच में डिस्टर्ब ना करें, ओके? आई एम डूइंग व्लॉग एंड यू शट अप, ओके? फेंक दो बॉटल्स। चलो गाइस बाय बाय, मिलते हैं। डोंट थ्रो द प्लास्टिक इन पब्लिक। शट अप शट अप। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस हम रिफ्रेशमेंट लेके आ चुके हैं गाड़ी में वापस, एज यूजुअल मैं पहले भी गाड़ी चला रहा था। शिवम गर्मी लग रही है, पहले गाड़ी ऑन कर। भाई गाड़ी ऑन कर दिया है, वेट अ मिनट मैं अपनी जनता से बात कर लूं थोड़ी सी।
अब एज यूजुअल जैसे पहले मैं गाड़ी चला रहा था पहाड़ों पे, मैं ही आ गया हूँ, नूब्स ने मेरे को गाड़ी दे दी है। अब साथ संचा की जी तो भाई हमारे एक साथी ने ड्राइवर आ गया है कि प्रो ड्राइवर आ गया कुर्सी पे और अब वो गाड़ी चलाएगा उनको बढ़िया तरीके से। और जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मानव भाई करते अरे धीरे चलाओ झटके लग रहे हैं, जब मानव भाई ने गाड़ी चलाई तो झटके गए ऐसा लगा कि अर्थक्वेक आ गया हो, बट वही है बड़े हैं तो क्या ही बोले हम। लेकिन मुझे ऐसा लगा जब मानव भाई गाड़ी चला रहे थे तो अकॉर्डिंग टू मी कार वाज फ्लोटिंग इन द एयर, लाइक देयर वाज अ गैप इन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, लाइक अ इंच ऑफ गैप। ये थी गाड़ी हमारी आर्ट, ये है आर्टिस्ट आर्टिस्ट और आर्टिस्ट की हेल्पर साइड में बैठे हुए। अब आप ये चश्मे भी हमें दे सकते हैं, ये जो गाड़ी चलाता है वो चश्मे पहनता है। और सुमित दूसरा वाला कहाँ गया, वहीं छोड़ देगा। गाइस चलो हम मिलते हैं, हम डेस्टिनेशन पर रुकेंगे, वहाँ पे मैं आपको व्यू दिखाऊंगा, वैसे आप यहाँ से भी देख सकते हो जो पहाड़ दिखने लगे हैं। चलो मिलते हैं। फाइनली हम आ गए हैं मॉल रोड, हम जा रहे हैं अपने लेक स्टेडियम में, बट हमें लगता नहीं हमें कोई स्टे मिलेगा, बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखिए मॉल रोड कितनी भीड़ है, वाह वाह ठीक चढ़ाई पता नहीं कहाँ जाएगी, मैंने इतनी बढ़िया लग रही है, बहुत सारा लक्ष्य है। आज हम जहाँ हम स्टे कर रहे हैं वहाँ पहुँच चुके हैं और ये है पीछे हमारी प्रॉपर्टी, और अभी मैंने जस्ट गाड़ी घुमाई है और देखो आप देख सकते हो कि कितना मेरा टायर बर्न हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही ऊंची चढ़ाई थी और गाड़ी वहाँ लगा दी मैंने, जैसे तैसे लग गई, बट टायर देखो आप कितना बर्न हो गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या व्यू है, बिल्कुल बढ़िया एकांत में प्रॉपर्टी है, शांति एकदम। फाइनली हम हर बार आते हैं ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढ लेते हैं, यहाँ बिल्कुल शांति होती है, मज़ा आ गया, फन प्रॉपर्टी। आप देखो यहाँ पे हम यहाँ पे बैठ भी सकते हैं और बिल्कुल ही वादियों में हो, दो ही यहाँ पे गेस्ट हाउस हैं, एक हमारा और एक नीचे कोई एक फैमिली रुकी हुई है वो भी दिल्ली से, और हम यूपी से, यूपी 14। चलो गाइस अब मैं जाता हूँ रूम वूम में, चेंज वेंज करता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर तो उसके बाद जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए वाह, ये है मानव भाई, न्यू डे सेकंड डे, और हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, और यहाँ कुछ वैसे घूमने के लिए है तो नहीं, बट देखते हैं, टाइम तो फोड़ना ही है। और मैंने आपको अपनी अभी प्रॉपर्टी का दिखाया नहीं है कैसी है मेरी प्रॉपर्टी अंदर से, बट मैं दिखाऊंगा जल्द, क्योंकि यहाँ इसमें से एक इंसान ने यहाँ गंद फैला दिया है क्योंकि ये खड़ी है। तो अभी मैं थोड़ा क्या बताता हूँ, हाँ मैं क्या कहते हैं, अभी जब ये क्लीन हो जाएगा रूम वहाँ से वापस आने के बाद, फिर आपको प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है, बट यहाँ का खाना बहुत टट्टी है, कोई फ़ायदा नहीं है, और यहाँ प्रॉपर्टी का कुछ नाम भी नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ, इसलिए मैं लोकेशन डाल दूंगा, वो ज़्यादा आपके लिए सूटेबल रहेगी। तो अभी हम निकलने वाले हैं बस यहाँ से आगे के लिए, शायद पहले मॉल रोड जाएंगे, फिर उसके बाद कहीं वाटरफॉल वगैरह, जो भी जैसा भी प्लान बनता है मैं आपको बताता रहूँगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून, और आप ज़रा एक बार ऐसे व्यू भी देख लो, क्या मतलब जंगलों के बीच में रुके हुए हैं हम बिल्कुल। ये मेरी गाड़ी खड़ी है, ये है प्रॉपर्टी, थोड़ा सा ग्लिम्स दिखा सकता हूँ मैं यहाँ से ऐसे, बाकी तो ऐसी प्रॉपर्टी है, अभी थोड़ी गंदी हो रखी है, जब क्लियर हो जाएगी तब आपको दिखाऊंगा, और मेरे बाल भी मैंने ऐसे निकाले नहीं है एज सच, तो इसलिए ऐसे हो रखे हैं, अब ठीक है थोड़ा। तो बस यही है, अभी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा धीरे धीरे, और बाकी आप मेरे को बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ। नाइस, चलो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, जब तक के लिए मैं थोड़ा गाड़ी वाड़ी पे कपड़ा मार लूँ, चला लें लाइक बना लूँ। चलो चले,
बताओ यार इन इसकी तो फोटो ही खत्म नहीं हो रही यार, शक्ल भी अच्छी नहीं है इंसान की, टी शर्ट भी मांग मांग के पहन रही है और फोटो भी खींचनी है, क्या ही बोलूँ मैं। ये देखो कितनी स्टीप चढ़ाई है, इस गाड़ी को ऊपर चढ़ना पड़ेगा अभी। चलो चलो अभी आपको अपडेट करूँगा कि कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। गाइस थोड़ा हमारा प्लान में चेंज हो गया, अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं पे खड़े होकर फोटो खींचने वाले हैं, क्योंकि ये प्लान में चेंज आया है सिर्फ इस लेडी के चक्कर में। इसने अपनी सारी फोटो खिंचवा ली हैं, तो अब सबको भी खिंचवानी पड़ेंगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये कोई ज़्यादा बड़ी वो महारानी तो है नहीं कि ये ही अपनी फ़ोटो खिंचवा ले और हम सब बैठे रहें। नहीं तो मेरे व्लॉग में गाइस इसको बहुत हेट देना, इसको लिखना जा मोटी जा। ये सामने मॉडलिंग चल रही है, ये क्या बात है, कैमरामैन बिल्कुल भी वो नहीं लग रहा, डेडिकेटेड। ये घटिया इंसान है, ये घटिया इंसान, देखो अभी देखो क्या भगते हो जाएगी हंसते हुए। गाइस अब मुझे पता है मेरे को हेट मिलेगा काफ़ी, बट आई डोंट केयर मैन। अब हम आगे जाएंगे तब मैं आपको दिखा पाऊंगा, क्योंकि इस लड़की की फ़ोटो नहीं ख़त्म हो रही, कहाँ से ख़त्म होंगी, और टी शर्ट भी मांग के पहनी है। ये देखो ये देखो ये फेकनेस ऑन फेस, ये ओहो अब कैसे हंसी छूट गई। यार अब हमारे ग्रुप के जो सबसे डेविल और एविल लोग हैं उनकी फोटोग्राफी जाग चुकी है। ओ भाई क्या 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 फोटोग्राफी कर रही है, ओ माय गॉड, मैं भी ऐसी ऐसे फोटोग्राफर से एक फ़ोटो खिंचवाना चाहूँगा अपनी, जो इतनी डेडिकेटली फ़ोटो खींच रही है फ़ोन में घुस के। मुझे लगता है कुछ बढ़िया रिजल्ट निकल के आएगा, वैसे तो उसका लाइफ में कोई रिजल्ट है नहीं, बट हो सकता है फ़ोटो में अच्छा रिजल्ट निकाल दे। ये देखिए मैं सिंपल सोबर, बढ़िया, ऑल गुड। नमन व्हाट्सअप व्हाट्सअप ब्रो, ब्रो वेयर इज योर क्लोथ, वेयर इज योर टी शर्ट, oh this girl and I'll buy a new pair of two pair of like one pair of t-shirts in like the mall road right now, and then I'll wear it and I'll click some pictures and gang you know, it's all about that. What the meaning of hush, what this hush? Actually this is a brand called Hush. Oh my god, so basically hush is kind of a thing when you say someone like, you know, this when someone is blabbering to you and you do not talk, like hush. आप देख सकते हैं मेरा भाई कितना कूल है मेरी तरह, और एक ये एक बोरिंग इंसान है, देखो साइड उधर इस बोरिंग इंसान को दिखाएं। अरे हाय हाय, टी शर्ट ले तो लिया बट सूट भी नहीं कर रही है, तो गाइस अब हम कोशिश करेंगे कि हम आगे जाएं और फन कर पाएं, ऐसे लोगों को इग्नोर मारें और इंजॉय करें। चलो गाइस हम निकल चुके हैं और गाड़ी चला रहा हूँ एज यूजुअल मैं, क्योंकि मैं ही हूँ यहाँ पे प्रो ड्राइवर, बाकी पूरा फ्रेम। अब हम जा रहे हैं माल रोड की तरफ, और ये देखिए आप रोड, वाओ व्हाट अ रोड। अगर आपको गंदगी देखनी है वो भी दिखा सकता हूँ मैं, वो गाड़ी में मिल जाएगी, बट रोड जो ब्यूटीफुल है, कोई ऐसे क्या बढ़िया रोड है। ये देखो ये बढ़िया, ऐसे पीछे से जो आवाज आ रही है, ये देखो एक इग्नोर करिएगा, ये वाली इग्नोर स्पेशली। भाई गाड़ी चल रही है ना हमारी। गाइस हमने बीच में एक स्टॉप लिया है मैगी और चाय लेने के लिए, और हमने गाड़ी वहाँ दूर पार्क कर दी है जिससे किसी आने वाले को प्रॉब्लम ना हो, आपको दिख रही होगी, देखो हो रही। तो अब हम जा रहे हैं, देखते हैं कैसी चाय होगी कैसी मैगी होगी, काफ़ी पैदल चल के जा रहे हैं, वो भी बंदा खुश हो जाएगा कि इतनी दूर से मेरे पास आ गए चल के, क्योंकि हमने वहाँ पे भी पार्क करने की कोशिश करी थी, वहाँ पे जगह थी नहीं, तो इसलिए क्या कहते हैं हम दूर पार्क करके गए हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे लोगों का वो बढ़ाना चाहिए, क्या कहते हैं सेल बढ़ानी चाहिए, उनको ज़्यादा वो मिलती है मोटिवेशन काम करने में, और अगर क्या कहते हैं हम ऐसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाते रहेंगे तो ये छोटे वाले लोग तो काम ही नहीं कर पाएंगे और सेल ही नहीं कर पाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे। देखो हम यहाँ आए, बनाया ब्लॉग वगैरह, ठीक है। हेलो गाइस हम कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, हमने
उसके बाद आपसे बात करते हैं कैसा था एक्सपीरियंस, मैगी कैसी थी, टेस्ट कैसा था, स्वाद कैसा। गाइस हम मॉल रोड आए थे और मेरे भाई कहाँ से टी शर्ट लेनी थी, उसने ले लिया टी शर्ट, आप देख सकते हो टी शर्ट थोड़ी होती है। गाइस उसको सुनाई नहीं दे रहा है कि क्या कहते हैं उम्र के उम्र, तो मैं गाड़ी के अंदर देखो थोड़ी खांसी सी हो रखी है, मैं गाड़ी के अंदर हूँ और क्या कहते हैं उसको सुनाई नहीं दे रहा, तो इसलिए क्या कहते हैं मेरे को अब मैं बाद में दिखाऊंगा। उसने गाड़ी छोड़ दिया, अपने आगे से देख लिए, और बाकी यहाँ आके थोड़ी सी बीटी हो गई, तो हम जाके मेरा भाई और मैं अकेले जाके मोमोज खा के आ गए। अब हम काफ़ी लेट हो गए, 5 के करीब बज गए हैं, वाटरफॉल वगैरह जाने का टाइम नहीं है, तो इसलिए हम अपने रूम में जाएंगे सीधा, थोड़ा AC कम करूँ, शायद आवाज़ में हवा की आवाज़ आ रही होगी, तो अब फ़ायदा नहीं है, अब घर चले जाएंगे और थोड़ा फिर घर जाके रेस्ट करेंगे, फिर कल निकल जाएंगे। बस कसौली में रुकने के लिए जैसे स्टे के लिए आओ तो बढ़िया जगह है, बाकी तो फिर ऐसी है। Hey guys, हम फाइनली अपनी प्रॉपर्टी में वापस आ गए हैं, और अभी वापस आए हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको फाइनली प्रॉपर्टी का टूर दे दूँ। जैसे बाहर से तो देखो ये ऐसी दिखती है, ये देखो ये पहले डोर है, अंदर जाइए, फिर नीचे यहाँ पे स्टेयर्स आ रही हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, बट ये यहाँ पे ऐसी स्टोर रूम है, ये शीशा, ये ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, ये अपना लिविंग एरिया है, ये डाइनिंग एरिया, ये पीछे यहाँ पे किचन है, और यहाँ से ये आपकी बालकनी। बढ़िया बिल्कुल, और ऐसी एक बालकनी वहाँ पे पीछे भी है, यहाँ से कॉमन है, यहाँ से एक रास्ता यहाँ से जाने के लिए, एक रास्ता यहाँ से जाने के लिए, और ये हम अब जाते हैं नीचे की तरफ। नीचे हैं 3 बेडरूम सेट, ये स्टेयर्स हम देख सकते हैं, ये नीचे भी सामने जाते एक मेरा है, देखिए ये मेरा हो गया। उसके बाद एक रूम ये है काफ़ी फ्लोर का ये, और इसके बाद अटैच बाथरूम, एक रूम ये है इसके साथ भी अटैच बाथरूम, सब आगे सो चुका है। एक रूम ये है इसके साथ भी अटैच बाथरूम, और यहाँ पे ये इसकी बालकनी है, ये देखिए यहाँ से बैठने बैठने का सीन है, और ये बढ़िया कूल सिस्टम सेट, ये देख लिया। तो पीछे ये सारा फॉरेस्ट एरिया है, सारा फॉरेस्ट के बीच में बना हुआ है प्रॉपर्टी, बिल्कुल मस्त। बाकी तो ये मैं हूँ, बाकी अब आगे तो अब हम यहीं रुकेंगे और कल सुबह निकल जाएंगे होपफुली घर के लिए। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, और मेरे को फॉलो करो ऑन माई इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ramgaye07। बाय बाय, पीस आउट गाइस। फाइनली गूगल लगा था कि मेरा ब्लॉग ख़त्म हो गया है, बट ऐसा नहीं था, मेरा ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ था, बट रात को हमारी थोड़ी पार्टी हो गई थी, तो पार्टी चलने पे हमने डिसाइड किया था कि हम लोग जा रहे हैं शिमला की तरफ, बट सुबह उठ के सबके मूड चेंज हो गए, अब हमारा प्लान बना है कि अब हम घर जा रहे हैं। तो अभी घर जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ थोड़ा नहा धो लिया जाए, फिर उसके बाद थोड़ा फ्रेश फील करेंगे, तो फिर रास्ते में खाते पीते घर निकल जाएंगे आराम से, आज रात तक घर पहुँच जाएंगे। तो उसके लिए अब मैं नहाने जा रहा हूँ, देखो ये यहाँ रामला में ये होटल का वॉशरूम है, ऐसे ही सिंपल सादा सा, और चलो नहाते हैं। आपको भी नहाना है मेरे साथ? यार क्या करूँगा मेरे साथ नहा के, छोड़ो ना, मैं अकेले नहा लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ ऐसे तुरंत। गाइस हम फाइनली निकल रहे हैं अपने घर के लिए, और मैं रेडी हो चुका हूँ,
और हमारा सारा सामान भी लगेज भी आ चुका है, बस हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। थोड़ा कैमरा क्लियर कर लें, अब हम निकलने वाले हैं। अब हम लास्ट अलविदा कह देते हैं इस प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है यहाँ की, बट क्या कहते हैं यहाँ का खाना बहुत ही बेकार है। इनको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है स्पेशली कि खाना ऐसा करना ऐसा करना, तभी खाना अच्छा कर पाते हैं। अब बस देखते हैं, बीच में थोड़ा रुकते रुकते जाएंगे और बस अब आप लास्ट व्यू वहाँ का देख सकते हो। और क्या ही बताऊँ मैं, अब मेरा तो बस सिंगल लाइफ में क्या ही बता सकता हूँ। कब कमिटेड हो जाऊँ, कब सिंगल हो जाऊँ। ये देखो व्यू देखो, प्रॉपर व्यू। गाइस एक क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है हमारे साथ, और हमारी यहाँ पे रैंप पे गाड़ी फंस चुकी है, और ये थोड़ी इसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा नहीं है, तो इसलिए दिक्कत आ गई। यहाँ पे हम एक ब्रिज बना रहे हैं, ब्रिज के ऊपर से चढ़ के जाएगी गाड़ी। बहुत एडवेंचरस है ये, एक में छोटी गाड़ी हुई है, इनको भी नीचे मोड़ने में बड़ी प्रॉब्लम हुई। प्रॉपर्टी अच्छी है, बट कुछ फ्लॉज हैं प्रॉपर्टी में जो कि इन्हें ठीक करने चाहिए। आगे मैं अपनी गाड़ी निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ निकलने के बाद क्या होता है। गाइस फाइनली हमारी गाड़ी निकल चुकी है, बहुत ही बड़ा ब्रिज बनाने के बाद, बड़ी मशक्क़त करने के बाद फाइनली गाड़ी निकल गई है। हम अब आगे की तरफ जाएंगे, और ये बाकी के मेरी स्क्वाड पीछे आ रहे हैं। देखिए कल ये थोड़ी सी ठुक गई थी, बस आज भी लगने वाली थी नीचे से, बट एक सेवर अंकल आ गए, उन्होंने हमारी हेल्प कर दी। फिर उसके बाद हम अब जा रहे हैं आगे की तरफ। अरे यहाँ क्या कहते हैं, हमारे पास थोड़ी ज़्यादा एनर्जी हो गई थी, तो इसलिए हम ट्रैक पे आ गए हैं गिल्बर्ट ट्रेल में, थोड़ी एनर्जी वेस्ट करने। और हमारा मन नहीं है घर जाने का, और ख़ास कर कि इस जेंटलमैन का मन नहीं है घर जाने का, कि घर जाना भी है हमें। इनका ये है कि कभी भी कहीं भी चले जाओ, कभी निकल जाओ कहीं भी। मैं इसके लिए गाना बोलना चाहता हूँ कि घर से हम चले बस एक बैकपैक और एक गिटार, पैसों की फिक्र नहीं, बाइक पे हम सवार, राहों की है खबर न मंजिल का है पता। यो यो बोलो, यो यो। फिर भी चल दिए जाने, अब होगा क्या। यो यो। वो गाइस बहुत एंटरटेनमेंट हो गया, हम किसी और से नहीं। अगर इस लड़की ने मेरे से कहीं बोला मैं थक गई, तो इसको खाई से नीचे फेंक दूंगा, क्योंकि इसी ने बोला है गिल्बर्ट ट्रेल जाने के लिए। गाइस अब देखिए हम यहाँ आ गए हैं, यहाँ पे इन्होंने व्यू के लिए आए हैं, बस ये व्यू तो हम कहीं से भी गाड़ी रोक के ले लेते हैं। ये देखो गाइस, हम थोड़ी अपनी और हाल टाइट करवा लें, क्योंकि रास्ते ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं। तो कूड़ादान, कूड़ादान नहीं गाइस, ये कूड़ादान दिखाना होगा तो मैं इसे भी दिखा दूंगा, ये कूड़ादान। बट ये देखिए अब रास्ते कितने ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सूखा कचरे के लिए ब्लू है ये दिल्ली, ये नोएडा में कब से आ चुका है, ठीक है। वाओ गाइस देखो, ये पेड़ है, बस इसको देख के वाओ करना है और नेचर का फील लेना है, इसलिए तो आए हैं बस यहाँ पे। आप देख सकते हैं मेरी हालत। वो ट्रेल बताओ, ये आर्मी वाले भैया के पास गन नहीं है, वरना अभी तेरे को शूट कर देते। गाइस मेरी हालत ख़राब हो चुकी है पूरे गिल्बर्ट ट्रेल तक पहुँचने में, अभी तो हम पूरा ऊपर तक पहुँचे भी नहीं हैं, और उससे पहले ही पूरा मैं पसीने में लथपथ हो गया हूँ, और आर्मी के कंटोनमेंट एरिया में बैठा हुआ हूँ। थोड़ा रेस्ट करके फिर हम ऊपर जाएंगे, और फिर उसके बाद आपको व्यू दिखाऊंगा। जब तक थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ मैं, और जब तक आप देखिए वाह, गाइस फाइनली हम आ गए हैं ट्रेल पे, ट्रेल के एंड पे, और इसको हम सुसाइड पॉइंट भी बोलते हैं। और ये आप देख सकते हैं फाइनली हमारी ट्रैक पूरी हो गई, अब यहाँ से हमें दोबारा नीचे गाड़ी तक जाना है, और फिर हम निकल जाएंगे अपने घर वापस। यहाँ से भी देख सकते हैं, हम निकल रहे हैं ऊपर की तरफ वापस। गाइस फाइनली हमने सब कुछ घूम लिया है, सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया है, और हम जा रहे हैं अपने घर, फाइनली घर पहुंचेंगे, उसके बाद हम अपना ब्लॉग एंड कर देंगे। यो 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 जी के चलो, व्हाट्स अप गाइस, ये गाइस ओके गाइस, लोगों की बातें मत सुने। गाइस फाइनली हमने पहला स्टॉप ले लिया है,
अब हम थोड़ी चाय वाय पियेंगे, फिर उसके बाद आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। ये देखिए हम यहाँ रुके हैं चाय पीने के लिए, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। गाइस फाइनली हम अपने डिनर के लिए रुके हुए हैं, अब आप देख सकते हैं हम किधर रुके हैं और कहाँ रुके हैं। ये देखिए व्हाट अ प्रॉपर्टी मैन, जोक्स अपार्ट अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छा बटर चिकन मिलेगा इसलिए हम रुक गए हैं, बाकी तो और कोई सीन नहीं है। बाकी तो हम खाना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं अच्छा, है ना, भले हमारे सब्सक्राइबर अच्छे नहीं है, व्यू नहीं आते, पैसे नहीं मिलते, बट क्या कर सकते हैं, खाना तो अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं। बाय गाइस अब हम खाना मंगाएंगे उसके बाद मिलते हैं। हम आए थे दिवान होटल एंड रिजॉर्ट, यहाँ का जो बटर चिकन था खाने में तो टेस्टी था, और जो उसके अंदर पीसेस पड़े थे वो ऐसा लग रहा था जैसे मुर्गी को पोलियो हो गया। और मैंने मैनेजर को बुला के पूछा तो कह रहा है हमारे यहाँ ऐसे ही आता है 700-800 ग्राम का। मतलब यार इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहते, बस ये ऐसा ही होता है, ये होता है, वो होता है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बना ली है, इतना बड़ा होटल बना दिया है, और क्या कहते हैं, मुझे पता है भाई क्या व्यू आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ठीक है। आई एम अ ट्रू व्लॉगर, नॉट लाइक यू। तो और बेसिकली मतलब प्रॉपर्टी वगैरह बड़ी बनाने से अच्छा नहीं हो जाता है, बेसिकली ये होता है कि आप टेस्ट कैसा देते हो। आप प्रॉपर ढाबे से भी खाओगे ना, हमारे नोएडा में एक है योर स्टूडी करके, वो क्लाउड किचन है, उसके पास कोई बिल्डिंग नहीं है इनकी तरह, बट उसका बटर चिकन एक नंबर। बट यहाँ भी बटर चिकन की ग्रेवी ठीक ठाक थी, बट नॉट वर्थ इट, वैल्यू फॉर मनी नहीं है। आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी कैसी बनाई हुई है, और रोटियाँ हमारी ठंडी हो रही हैं, इनका अभी तक बटर चिकन नहीं आया। ये है इनका नाम, कोई मत आना इनके पास, ऊंची दुकान पी के पकवान वाली बात है, देख लो। बस आप इंस्टाग्रामेबल फ़ोटोज़ आ जाएंगे यहाँ पर, वैसे और कुछ नहीं आएगा। झिलमिल तो उसको ज़्यादा ही हो गया था, बट ये जो हमने फर्स्ट टाइम खाया था ना यहाँ पे, उसका बटर चिकन एक नंबर था। हमें ऐसी उम्मीद थी कि यहाँ पे भी वैसे ही मिलेगा, बट बेकार, बहुत बेकार। और क्या ये ऐसी रिव्यू दे सकते हैं, इनके यहाँ मुर्गे पोलियो वाले आते हैं जो 700-800 ग्राम के ही होते हैं। और ऐसे वेटर लगे हुए हैं, बस खाना बनाना इन्हें आता नहीं है, कुछ बोलो तो इनके मैनेजर आ जाते हैं, मैनेजर टी आ गया, देखो हमारा बटर चिकन आ गया भाई, लेके आ गया, क्या बात है। इस बार लाइक पीस देखना जरा भाई, पोली हुई है कैसा है। हमारा बटर चिकन आ चुका है, हमारे बटर चिकन को दोबारा पोली हो रहा है, आप लेग पीस देखिए, ये देखिए। ये ऐसे घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं हमारे आदमी। गाइस मेरे लिए प्रे करो, 1 मिलियन सब्सक्राइबर करा दो मेरे, मेरी कहानी ठीक हो जाएगी। और अब मैं करूँगा रेस्ट और हम ब्लॉग करते हैं इवेंट, जब तक के लिए आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।